आपको जर्मन तो आती होगी। सर एक टास्क दे रहा हूँ, इससे जाके पूछना कि टोटल चिकन दिन में कितना यूज कर लेता है। बहुत सवाल आ रहे हैं। क्या सर? सुनिए, 4 लाख रुपया लगा के मैं ये टट्टी बनाने खाने आया हूँ इतनी दूर। फाइन है अगर हिटलर का नाम बोल लो, सो इट्स नॉट अलाउड। क्यों? हम तो टूरिस्ट हैं। स्टिल इफ यू वांट टू एंड अप इन द जेल। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया, आप भी अच्छे होंगे। 2024 स्टार्ट हो गया और पहली ट्रिप अपनी लग गई है। आगे हम जर्मनी कैपिटल बर्लिन, शुरुआत करें कुछ खाने के साथ। यहाँ पर ना यूरोप का सबसे बेस्ट जो कबाब है, शॉर्मा जिसको हम बोलते हैं, वो बर्लिन के अंदर मिलता है। अगर अभी हम गूगल भी करेंगे ना बेस्ट शॉर्मा इन यूरोप, तो बर्लिन का दिखाया उसका नाम है मुस्तफ़ा गेम्यूज कबाब। गेम्यूज होता है मतलब वेजिटेबल, और कबाब तो कबाब है ही। अभी वहीं पर जा रहे हैं, मेरे एयरबीएनबी से जस्ट 15 मिनट दूर है वॉकिंग से, वहीं पर जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, लाइन दिखाऊंगा। आपने मतलब मैं आप पहले भी आया हूँ बर्लिन, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन उस टाइम शायद लोगों ने इतनी वीडियो देखी नहीं। दोबारा आ गए, शहर भी घुमाएंगे, खाएंगे पीएंगे, पूरे मजे करेंगे। भाई अपना भाई आया सिडनी से, ठीक है, आपने वीडियो में देखा ही होगा मेरे। हाँ जी। इसका मैंने वीजा लगाया, तो फिर आपको वीजा लगवाना है? मैं लगवा सकता हूँ, मेरे पास ये प्रूफ पड़ा हुआ है। हफ्ते का वीजा, पहला यूके का, विद इन 7 डेज, और उसके बाद नॉर्वे का लगाया मैंने। लेकिन सिर्फ मैं एनआरआई का लगाऊंगा भाई, मेरे को दिल्ली पंजाब वाले वो मैसेज मत करना। ठंड काफी लग रही है ना, -2 है बर्लिन में, इतनी ठंड होती नहीं एक्चुअल में, पर हल्की हल्की बर्फ सी गिर रही है। मैं समझ नहीं आ रहा कि बर्फ है बारिश है क्या है यार। रूम की खेती हो रही है किधर, लेकिन नीचे नहीं है बर्फ। आप देखोगे ना नीचे कुछ भी बर्फ नहीं। दिल्ली का भी शॉर्मा फेल है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली वाला, दिल्ली के मोमोज शॉर्मा बहुत तगड़े होते हैं, वो भी फेल है इसके आगे। अभी पहले वहाँ जाएंगे, पेट पूजा करेंगे, बाद में काम दूजा। भाई ये है दुकान, आपको देख के लग रहा होगा निकली सी क्या दुकान है, ट्रक सा लगा हुआ है, लेकिन अभी आप लाइन देख रहे हो, सिर्फ लाइन इतनी है क्योंकि टाइम हुआ। क्या टाइम हुआ है सही बताइए? टाइम हो गया मेरे 1:45 शाम देखोगे 1:45, इसलिए लाइन है क्योंकि दिन की लाइन है। भाई रात को आप देखोगे ना, लास्ट टाइम जब मैं आया था ये लाइन वहां तक थी। बिल्डिंग पे ना बड़ा सही लिखा हुआ ये, लेकिन पढ़ने के बाद समझ में आया कि देखो ये पैराडाइज लिखा है, पैराडाइज नीचे काफी अच्छा कोट लिखा हुआ है। ये थॉट्स ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ योर डेस्टिनी, लेकिन डेस्टिनी में बिलीव करता नहीं हूँ, थॉट्स भी अच्छी हैं ये पक्का है। लाइन में भी फिलहाल लगे हुए हैं यार, बड़ी बहुत धीरे धीरे लाइन बढ़ती आ गई है, देख रहे हो? टट्टी रोड, 4 लाख रुपया लगा के मैं ये टट्टी रोड खाने आया हूँ इतनी दूर। किराया भी नहीं ना, कोई एडी दुकान भी नहीं है, बजे कमांदा होना किराया। दुकान तो गया, दुकान डब्बा तो आया, पहले भी आता नहीं, मैं भूल गया था, बड़ा मैं लिखा हुआ कैश ओनली नो कार्ड एक्सेप्टेड। क्या पता क्या शेर हो, लेकिन चुपके से एक चीज़ सही हो गई है। मैं बोल रहा था आपको, मैं लाइन का 2 इंडियन लगे हैं, ये लेडी मिल गई, उनको बोल दिया आप पक्का दे दोगे ना कि एंड में जाके मना मत करना कि फिर ठीक है कि वहाँ जाएँ और मना कर दे कि मैं तो नहीं दे रही। टाइम देखो भाई, तुम 2 बजे आए थे, 2:20 हो गए, आधा घंटा तो हो गया। 7:10 पे इसका ये जो लिखा ना पहला चिकन वाला है, और दूसरा जो लिखा है जेनवन है वो अपना वेजिटेबल का है, फिर हम पता नहीं क्या है, तो हम तो ये ले रहे हैं 7:10 का, तो बनेंगे 14 निकाल के 15 यूरो दे देंगे, 1 यूरो तो ठीक है कमीशन। आपको जर्मन तो आती होगी, एक टास्क दे रहा हूँ, इससे जाके पूछना कि टोटल चिकन दिन में कितना यूज कर लेता है। मैं अंदाज़ा है मेरा 100 किलो, तो कितना बोल रहा है? आप 40 से 45 किलो। आपको कितना लग रहा है?140 किलो है, 1 क्विंटल से भी ज्यादा है, 1.5 क्विंटल हो गया। कैसा लग रहा देख के? देख के तो बड़ा सोना लग रहा है। खा के पता लगूगा, खा के पता लगूगा हूँ कड़ा मुल्लो पैंदा। बहुत बस में पहले खा चुका हूँ, देख लो कितना भयंकर भरा हुआ है, सिर्फ 7 यूरो 10 सेंट का है। तो देखो हमारा नंबर भी आया तो पीछे लाइन देखो कितनी लग गई है, आपको देख रहे हो लाइन ही टूटती इसी पूरे दिन की लाइन, क्योंकि स्लो स्लो बनाता है, लाइन ही टूटती पूरी। बहुत स्वाद है मेरे। कैसा सिरे नहीं खाया ना आज तक? कैसा मैं नहीं खाया सोचा था, इसने अंदर जो सब्जियां डाली हुई ना, ज़ुकीनी वगैरह डाली हुई है। आ गया थैंक यू, तुम दोनों भाग दे। थैंक यू, ये आ गया अपना रेडी हो गया मामला। चचू से बोलते हैं अपने 3-4
मैंने आपको 3 बोला था ना, एटीएम ढूंढ लेते हैं, देते हैं आपको निकाल के ना। भाई एटीएम तो मिला नहीं है, हमने बोल दिया कि यार चलो आपने हमको खिला दिया 15 यूरो का, हम आपको कॉफ़ी पिला देंगे। इतने कैफे ढूंढ चुके हैं, अब इसके आगे आए थे कि ये भी नहीं खुल रहा, मिल रहा। ये सारे साइन ये लग रहा है कि हमको पैसे नहीं देने आपको। कुछ खुला हुआ नहीं है, वही ढूंढ लो यार, एटीएम ही ढूंढ लो, एटीएम लेके करते हैं। देखो मैं ये फ़र्क बता रहा था कि स्नो में और फ्रोजन रेन के अंदर, स्नो नहीं है, देख रहे हो इसको, आपको दाने दाने दिख रहे होंगे ना, देखो स्नो कभी भी ऐसे लगनी होती है, देखो दिख रहे हैं। किधर भी नहीं खाता है कबाब, डकार पाद सब मार दिए, पाद रह गए डकार ने मारते। अब कैफे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कैफे, संडे है ना आज, लफड़ा ये भी है, संडे को आज चीज़ें बंद हो जाती हैं, लफड़ा ये भी है और मंडे को भी बंद रहती है, पता नहीं क्यों। जो एयरबेन का जो मेरा वो था होस्ट था, उसने बताया मेरे को कि मंडे को वीक का फर्स्ट डे होता है ना, वो सब स्लो रहता है, तो मंडे में भी आधे लोग रेस्टोरेंट वगैरह से बंद करके रखते हैं। ये भी अच्छा क्राफ्ट बियर गार्डन है, कैफे से कॉफ़ी मिलेगी, चलो राजशर्म, वो राजस्थान लिखा हुआ है, ये लिखा है राज, राजशर्म है कॉफ़ी उसको, जर्मन में है तो ऐसे कुछ चलना नहीं पड़ेगा। बंद सा लग रहा है, देखो आप पूछो अगर भाई अपने जाके सही डोसा बना रखा है, ये गर्म नहीं होगा पक्का, ये गर्म है, ओपन है, ओपन है। ये तो बता दो आप, ये तो भाई मैं तो दिल्ली से हूँ, चुपके से पंजाबी है, तो अपने आपस में पंजाबी में बात करनी स्टार्ट कर दी, कहाँ से आप पंजाब में? बहुत ही सही गर्म माहौल है, हालांकि भीड़ इतनी नहीं है, काफ़ी सही है सोना, इसलिए आपको याद होगा जब मैं वहाँ गया था आपको लेके, जो अपने जो ब्लू माउंटेन्स गए थे, जो यूरोपियन वाइब आ रही है उसके अंदर, ये होती है यूरोपियन वाइब, बढ़िया है। चलो भाई देख लो 15 यूरो का क्या है, ऑर्डर करके हिसाब नक्की करो। ऐसे अब तो लोकल गाइड मिल गया भाई, अब तो लोकल गाइड मिल गया, तो वो बड़ी है, पूरा शहर घुमा रहे हो। पंजाबी में कुछ बोल के दिखा दो यार। अच्छा है काफी, कैफे, कैफे का नाम क्या है भाई, क्या नाम? राजस्थानी कैफे, राजस्थानी कैफे, राजस्थानी कैफे, किस तो नाम हुआ कैफे का, राव कास्ट हाउस डॉल्बी मेरे कुड़ी आज का डॉल्बी मेरे मेरे क्या होता है मेरे मींस कुड़ी मतलब स्वीडिश के अंदर भी होता है पर दो डॉट जर्मन में भी होता है क्या ये तुम्हारे भाई ने नॉर्वेजियन सीख रखे, तो भाई जर्मन भी पढ़ लेता है, समझ भी लेता है, तू बता कितनी लैंग्वेज बोल लेता है? मैं पंजाबी बोल रहा ना मेरे पास पंजाबी। कैसा लग रहा है मेरे यूरोप आगे? बड़ी ठंड है मेरे, ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है भाई। कॉफ़ी आ गई है भाई, और ये मैंने मंगाई है इंडियन पेल एल, ये लाम लिखा था ए राज, राज सरन, इसलिए राजस्थान, राजस्थान कह रहा था ये क्या है, इनके मैंने भाई ये मंगा दी है, पैसे अभी भी पूरे नहीं हुए क्योंकि सिर्फ 5 यूरो कुछ की आई है, 10 यूरो का हिसाब अभी भी बचा हुआ है। क्या बोलते जर्मन में? प्रोस्ट। चलो भाई प्रोस्ट, प्रोस्ट। अरे मेरे से तो भिड़े ही नहीं, प्रोस्ट। वही हो जाएगा, इनको बोलूंगा मैं कि यहाँ भी कैश चल रहा था इसके, और पैसे दे दो। इस स्ट्रीट में ना बगल बगल में दो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे था उसका नाम था सवेरा, और एक ये है इंडिया रेस्टोरेंट, ये काफ़ी मेन स्ट्रीट है, इसका नाम है बर्गमैन स्ट्रीट, वहाँ पर लिखा हुआ है। और जो अपने क्लब्स है ना, क्लब में भी आपको लेके जाऊँगा मैं, एक बर्गाइन करके क्लब है भाई, यहाँ की नाइट लाइफ बड़ी तगड़ी है भाई, बर्लिन की नाइट लाइफ ना वन ऑफ द फाइनेस्ट लगा लो, क्रेजियस्ट नाइट लाइफ में से एक है पूरे वर्ल्ड में बर्लिन की, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। अभी फिलहाल अभी थोड़ी ना ठंड कम लग रही है, क्योंकि ना वो नहीं गिर रही अभी ना, हालांकि मैंने अपनी उड़ी उड़ी भी पा ली है, इससे शायद कम लग रही होगी, लेकिन ठंड तो है, ठंड है ना, कम होगी ना, 4:40 हो गए इस तरफ, ये नज़ारा अभी फिलहाल देख लो भाई, 4:40 पे इस स्ट्रीट में काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट क्या हैं, बहुत सुंदर सुंदर यार। ये लैंटर्न्स तो जापानीज होते हैं, इन पर लिखा भी जापानीज में है, जापानीज या चाइनीज,
लेकिन बीच में ये पता नहीं क्या है, गुरु शॉप करके, अच्छा नीचे होगा शायद ना, इसमें पीछे गणेश जी बने हुए हैं भाई। ये स्ट्रीट काफ़ी अच्छी है जो बर्गमैन बता रहा हूँ, ये मेरे को पता भी नहीं था, ये मैडम ने बताई है। नाम तो बता दो अपना, तो नाम ही नहीं पता। पूरा नाम क्या, पूरा नाम बताओ। अच्छा चलो सिमरन कर लेना भाई इंस्टा पे सर्च, ठीक है। बाकी अच्छा इंस्टा पे नहीं है? No, I don't use it. स्नैपचैट आईडी बतानी है? नहीं। अच्छा बता फिर, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आ जाएगा यहाँ पे, यूरोप को नौकरी दे दो तेरे को। ओनली नॉर्वे। क्या बात है, नॉर्वे पसंद आ गया तेरे को? है नॉर्वे पसंद है, सब तो बेस्ट है, तक नॉर्वे लग गया मैंने। यहाँ तक कंट्रीज घूमे हुए, यहाँ तक जॉब दिलाया तो फुडोरा में पक्का करवा दूंगा यहाँ पे। जर्मनी ओनली नॉर्वे भी रे, जैसे सिडनी छड़ांगा सिर्फ नॉर्वे करके। चल मैं पक्का हो जाऊं फिर तेरे को बुलाता हूं। हां वीरे पासपोर्ट तो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇਗਾ ਚਲੂੰਗਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਦਾ ਚਲਤਾ ਫਿਰਤਾ ਘਰ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਚੁਰਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ ਸੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਸੇ। ਓਹੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਿਰ بارش ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਟਲਰ ਕੁੱਟਣਾ ਸੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਰ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਲੋ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ। ਕਿਉਂ, हम तो टूरिस्ट है। Still, if you wanna end up in the jail, तो लेकिन हमको बताएगा कौन ये है? मैं बता रही हूं ना। नहीं सीरियसली मैं वैसे बोल रहा हूँ कि हम इतनी हिस्ट्री पढ़ी है ताकि उसका नाम तुम बोल रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन अलाउड नहीं है बोलना है, तो मेरे को नहीं पता था यार कि अलाउड ही नहीं है बोलना। अच्छा सीरियसली बताया, सच में अलाउड नहीं है क्या बोलना? No, seriously, it's not allowed. नहीं, मैं उसको ये नहीं कर रहा, मैं ऐसे हे हिटलर नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा। No, but still, like, mentioning the name or keeping any book of Hitler, like, कर जो कुछ भी रिलेटेड रखना भी अलाउड नहीं है, और साइंस बनाने अलाउड नहीं है। सो मैंने ये भी सुना है कि जैसे जो अपना इंडिया का स्वास्थ्य नहीं है, exactly. वो अगर अपनी गाड़ी पे बनाते हैं, अगर लोग नई गाड़ी लेते हैं तो नया लोग ये सोचते हैं कि मैं हमने वो वाला नाजी वाला बनाया है। Exactly, but here you are not allowed in case, for example, you are having those Nazi earrings. Huh? Allowed नहीं है, तो वो फाइन पड़ता है if somebody sees or catches you up. देख रहे हो भाई, अपना वाला सीधा है, इनका टेढ़ा है, इनको लगता है कि हमने वही पहना हुआ है, लेकिन यार ये कितनी सही, मतलब but I'm not sure, they said like Hitler was a big fan of Bhagavad Gita, he used to read a lot, so he actually picked the sign from Hinduism. वही, अच्छा, but I'm not sure about it, that's why it's so similar to ours. हाँ उनका उसका टेढ़ा था, अपना सीधा, अपने बीच डॉट्स भी हैं चार के ना। और भैया ना ऐसे होते हैं, देख रहे हो इसके लिखा सन 24 सोलेरियम, ये टैनिंग के लिए होते हैं कि जैसे ना लोग अपने वहाँ तो धूप आती है, इसके अंदर आप जाओगे ऐसे ना कैबिन से बने होते हैं और ऊपर रेस से होता है, मतलब आर्टिफिशियल सन होता है वो, उससे आप ब्राउन हो जाते हो। तो ये भी यहाँ चौंचले हैं भाई, देख लो। बाकी अभी हमने 5 यूरो तो वापस करा दिए, कितने यूरो बचे हैं आपके? 10 यूरो बचे हैं ना? 10 यूरो बचे हैं, 10 यूरो में हमने एक घंटा खराब कर दिया। तुमसे बोल रहे हैं कि भाई मेरे को जाने ही दो यार, कि मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मैं लेट हो रहा हूँ। चलो कोई नहीं, पैसे तो पूरे कराएंगे, लोकल बंदा हमको मिल गया है तो वैसे नहीं छोड़ रहे। ये कह रहा था ये अभी अपने जो बनेगा होस्ट अभिराम, ये कुछ बता रहा था खाना है, कुछ खाने का तो मेरा मन है नहीं। ये भी इंडियन है, देख लो भाई, ये भी इंडियन है, अभिराम। अच्छा अभिराम है, इसका मतलब ये है अभिराम के, राम अभी है, कल पता नहीं क्या है, इसका मतलब ये है अभिराम सुबह शाम। देखो ग्लास पे क्या चीज देखने को मिली है, कोबरा हिंदी में लिखा हुआ है, कोबरा लिखा हुआ है, नहीं कोबरा ही है, कोबरा नहीं है। अरे खाना मंगा लिया भाई तुम्हारे भाई ने, ये गार्लिक नान मंगाई थी, गार्लिक इसमें ढूंढना नहीं मिल रहा कहाँ पर है। ये मैंने अपनी रोटी मंगाई थी, ये चिकन कुंभी है, और ये बिरयानी है, और बिल आखिरी में देखते कितना आएगा इन सब का ना। तो भाई ये खाया था हमने, ठीक है, कोला मंगाई थी 2 यूरो की, एक किंगफिशर मंगाई, चिकन फिशर बल्कि महंगी है सोचिए, 4 यूरो की थी, जो बैक्स मंगाई मैंने 3 की थी, टोटल 34 का आया यार, तो मतलब लगभग 350 करोड़ हो गए। तो ये देखो इतना कुछ खाने के बाद 350 दिए मैंने, और नॉर्वे के अंदर 2 मैकडी के बर्गर मंगाने में ना 250 करोड़ का बिल आ जाता है, मतलब ये 25 यूरो का, 10 यूरो एक्स्ट्रा देके मैंने सब कुछ खा लिया। कैसे बोलते हैं इसको? हिंदी में कोई क्यों लिखता है, मुझे समझ नहीं आता। अगर मैं अगर कभी रेस्टोरेंट खोलूंगा इंडियन, जिस कंट्री में खोलूंगा उसकी तो लैंग्वेज में लिखूंगा, लेकिन भाई मैं हिंदी में भी लिखूंगा, क्यों लिखूंगा भाई बता, पक्की गल है। चल माले इंडिया से, माले कोई साउथ इंडियन खोल रहा है तो भाई अपनी उसमें मलयालम तेलुगु में जो भी तुम्हें लैंग्वेज है उसमें खोल, उसमें लिखो ना लैंग्वेज यार। पता नहीं अपने लोगों को क्या है, अपनी चीज़ नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड करते, लिखना चाहिए नाम के भाई, जो लैंग्वेज है जिस कंट्री की वहाँ भी लिखो, ताकि लोकल बंदे भी आ सके, और अपनी लैंग्वेज भी लिखो ताकि दिखे कि हमारा ये कल्चर, ताकि लोग देख के देख पाए, अच्छा अच्छा ये वो लैंग्वेज मैंने फ्लाइंग जगह वहाँ देखी थी,
अभी टाइम क्या हो गया? 5 बज गए। ये 5 बज गए और आपके 10 यूरो बच गए। तो शाम को ठीक है, तो कल तो अब आपको घुमाना है पूरा शहर, ठीक है? चलो ओके बाय। बाय कैसे बोलते हैं जर्मन में? बाय। चलो भाई 10 यूरो बच गए, लेकिन किस्मत मेरी अच्छी, तो कहने की लोकल में को लोग मिल ही जाते हैं। तो बस अभी जा रहे हैं कि ठंड बहुत हो गई है ना यार, और मतलब थकान सी भी हो रही है सुबह के उठे हुए। अभी वापस एयरबिन भी जा रहा है, आपको एयरबिन भी दिखाऊंगा कैसा है मेरा, और उसके बाद शाम को दोबारा निकलेंगे तो पार्टी पुर्टी करने के लिए और नाइट लाइफ देखने के लिए, और कल सुबह दोबारा जाएंगे सिटी देखने के लिए। क्योंकि ना दिक्कत क्या हुई, जो हमने डे पास खरीदा था वो इसके मैंने वेस्ट बैग में रखा था, और वेस्ट बैग हमने वहीं भुलाया एयरबिन पे। तो मैं चल ठीक है, आज थोड़ा लोकल लोकल घूम लेते हैं, कल आपको दिखाएंगे। और ये स्ट्रीट थी हमारी, ये भी सेंटर जो बता रहा है मैं आपको, कबाब वाले से, जो मुस्तफ़ा कबाब से 15 मिनट की वॉकिंग है, और इस तरीके से अपना एयरबिन भी है। ये संगीत का डोर है, काफ़ी सही प्राइस मिल गया इसका ना। ये लिविंग रूम है पूरा, सोफ़ा वोफा, और यहाँ पे अपना एक बेड यहाँ पर है, और बीच में इस तरफ एक तरीके से ये है थोड़ा ड्रेसिंग एरिया सा, और एक बेडरूम ये है भाई। तो मतलब ठीक है यार, और इस तरफ किचन भी अंदर, पीछे वो बाथरूम है, तो छोटा सा कोजी सा ठीक है यार ना। ये पड़ गया मेरे को, मैंने इसके दिए हैं 800 करोन, ये लगभग लगभग लगा लो 80 यूरो दिए हैं मैंने, 2 रात के मैंने बुक किया 160 का। तो मेरे को लगा ठीक है, हम तो खैर 2 ही बंदे थे, तो अगर बंदे 4 भी हों तो भी 4 बंदे इजीली सो सकते हैं इसके अंदर ना, तो पैसे वसूल हैं। कि आप 4 बंदे हो, आपको 80 यूरो का पड़ा है, तो 20 यूरो एक बंदे का पड़ा है, मतलब आपको हॉस्टल से भी सस्ता पड़ रहा है। चिप्स खा लो भाई, अभी रूम में आए थे तो चिप्स खा रहे हैं, तो इस पैकेट पे ये कुछ निकला क्या है? हेलो 10 यूरो बढ़ा दो कुड़ी नू जेडी मिले। 10 यूरो बचे थे, 5 यूरो को उसको बीयर पिला दी थी। पूरे वहाँ ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, हो क्यों रहा है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करी है कि जो फार्मर्स थे ना, इनको पहले सब्सिडी मिलती थी।